हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं पोयम अ स्लंबर डिड माय स्पिरिट सीन, बीहाइव बुक से, ग्रेड 9 CBSE। इस पोयम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। थोड़ा सा पोयम के बारे में जान लेते हैं। ये जो पोयम है अ स्लंबर डिड माय स्पिरिट सीन, ये वर्ड्सवर्थ की लूसी पोयम्स में से एक है, जिसमें वो प्राइमरी फोकस कर रहे हैं एक यंग वुमेन जिनका नाम लूसी है, उनकी डेथ के ऊपर, जबकि पूरी पोयम में उनका कहीं भी नाम लिया नहीं गया है। बहुत सारे स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है, उन्होंने कई थ्योरीज भी बताई हैं कि लूसी कौन थी, लेकिन उनकी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो हमेशा एक मिस्ट्री ही बनी रही। इस पोयम में सिर्फ दो स्टैंजास हैं, वो भी 4 लाइन के, तब भी इस छोटी सी पोयम के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। हम ये देखेंगे कि स्पीकर जो है रियलाइज करते हैं कि खाली उनकी जो यंग वुमेन है उन्हीं की डेथ नहीं हुई है, बल्कि इस खूबसूरत सी दुनिया में बहुत सारी बुरी चीजें भी होती हैं। पहले स्टेंजा में स्पीकर जो है पूरी तरीके से अनअवेयर हैं, वो इतने इनोसेंट हैं, उनका ये मानना है कि या उनको ऐसा सोचते हैं कि जो वुमेन है उनको कभी एज छू भी नहीं सकती, यानी कि वो कभी बड़ी नहीं होंगी, वो कभी बुढ़ी नहीं होंगी। बट तभी उनको एकदम से बहुत टफ लेसन उनके सामने आ जाता है, जो उनको ऐसा चीजें सिखाता है कि स्टैंजा 1 और 2 के बीच में वो जो यंग वुमेन थी उनकी डेथ हो जाती है। अब ये जो चॉइस करी है पोएट ने कि स्टैंजास के बीच में डेथ को भी हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पोयम लिखी है उस तरीके से अगर देखा जाए तो जो सडन लॉस हुआ है उनको, उसका जो दुख है, दर्द है, तकलीफ है, उसे वो बयां नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है पोयम की जो है, एक तरफ तो स्पीकर की इनोसेंस के बारे में बता ही रही है, लेकिन उससे ज्यादा स्पीकर का ये मानना है कि जो यंग वुमेन है उसमें कितनी पावर होती है। उनके लिए उन्होंने अपने माइंड में एक इमेज बना रखी है कि जो वुमेन है वो एक गॉडेस की तरह होती है, जिनको एज छू भी नहीं सकती और वो पूरी तरह से इमॉर्टल होती है, यानी कि वो कभी मर नहीं सकती। और ये जो उनकी इच्छा है कि वो जो वुमेन है वो हमेशा यंग बनी रहे, यही एक तरह की वसीयत है जो स्पीकर्स की फीलिंग्स को यंग वुमेन के बारे में बता रही है। सेकंड स्टैंजा में वर्ड्सवर्थ ने एक बहुत ही भयानक डिस्क्रिप्शन बताया है वुमेन की करंट सिचुएशन को के बारे में। जब तक वो वुमेन अलाइव थी तब वो कहती थी, अभी यहाँ जो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो उस वुमेन को बता रहे हैं जो मर चुकी हैं। उनके अनुसार अब वो पूरी तरह से ब्लाइंड हैं, डेफ हैं, यानी अब उनको ना तो कुछ दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, पूरी दुनिया में उनके अराउंड क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता। यही एक पर्टिकुलरली पेनफुल आइडिया है वर्ड्सवर्थ की पोयम में, क्योंकि वो जो है ज्यादातर इन सेंसेस को एक्सपीरियंस करने पर फोकस ज्यादा करते हैं। स्पीकर ये भी मेंशन करते हैं, अब ना उनमें कोई इमोशन रह गया है ना उनमें कोई ताकत रह गई है। ये जो चीज बता रहे हैं कि हर डेड पीपल के लिए बिल्कुल सत्य है, पर इस तरीके से उनका बोलने का मतलब जो है वो खाली रीडर्स को ये बताना चाह रहे हैं कि जब वो यंग वुमेन लाइव थी, जिंदा थी, तब जो है वो कितनी जिंदा दिल थी, कितनी शक्तिमान थी, ताकतवर थी, फुल ऑफ लाइफ थी, लेकिन एक बार जब उनकी डेथ हो गई तो वो पूरी तरीके से दुनिया से अनअवेयर हो गई। लास्ट 2 लाइंस में जो स्पीकर हैं वो बताते हैं कि जो यंग वुमेन है अब वो एक तरह से धरती में समाने जा रही हैं, या वो समा चुकी हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि वो धरती का हिस्सा ही बन गई हैं, और जैसे दिन बदलते हैं, चीजें रोल होती हैं, वैसे ही वो भी जो हैं अब लाइफ को जैसे धरती के अंदर ही टर्न ट्विस्ट हो रही हैं। लास्ट लाइन जो है पोयम की वो खास तौर पे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें स्पीकर ने रॉक्स और स्टोन्स दोनों का ही जिक्र किया है, जिनका मतलब एक तरह से सेम ही होता है। यहाँ पर उनकी जो मंशा है वो दोनों को लेकर है, ग्रेवस्टोन्स को भी और जो कॉमन रॉक्स हैं उनके बारे में, ग्रेवस्टोन्स यानी जो कब्रिस्तान के पत्थर होते हैं और जो कॉमन रॉक्स होती है उनके बारे में भी वो बता रहे हैं। साथ ही साथ स्पीकर जो हैं जोर डालना चाह रहे हैं उन चीजों के बारे में, या आप कह सकते हैं जो मेन फोकस है स्पीकर का वो ये है कि डेड थिंग्स जो हैं अर्थ पे उनको इन्होंने इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है बजाय लिविंग थिंग्स के, यानी कि अगर वो चाहते तो वो ट्रीज का भी जिक्र कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उन चीजों को ज्यादा फोकस किया है जो इस वक्त डेड नॉन लिविंग उससे मायने रखती हैं। ट्रीज का भी जिक्र किया है लेकिन
उन्होंने उसको सिर्फ एक ही बार किया है। स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये एक बैले है और बहुत ही छोटा बैले है। इस स्टेंजा जो है ये ए बी राइम स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें पहली और थर्ड लाइन जो है वो आयम्बिक टेट्रामीटर में है, जबकि सेकेंड और फोर्थ लाइन जो है वो आयम्बिक ट्राइमीटर में है। अब देखते हैं समरी क्या है इनकी या स्टेंजा वाइज। ये जो पोएम के दो स्टेंजाज हैं, इसमें जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें स्पीकर ये बताते हैं कि स्लम्बर यानी कि जो नींद होती है, जब आदमी आंखें बंद करके झपकी के मूड में होता है तो उसे रियलिटी का जो है एहसास बिल्कुल नहीं होता है। वो एक अपनी ही अलग दुनिया में होता है, उस जो एक ऐसी दुनिया जिसमें उसको कहीं किसी चीज का डर नहीं होता। जो ह्यूमन फियर्स होते हैं या कॉमन फियर्स होते हैं, उनको लेके उसके मन में कोई डर नहीं होता है। स्पीकर के लिए अब वो जो उस यंग वुमेन के बारे में अपनी नींद में सोच रहे हैं, उनके लिए वो यंग वुमेन जो है अकॉर्डिंग कभी भी उनकी एज नहीं बढ़ेगी, यानी कि वो कभी भी जो है बुढ़ी नहीं होंगी, उनको कभी भी वो इमॉर्टल हो जाएंगी, उनकी कोई भी मोर्टैलिटी उनको टच नहीं कर सकेगी, वो उनके लिए बिल्कुल एक गॉडेस फिगर दिख रही है। तो ये सब जो चीजें हैं पहले स्टैंजा में पोएट जो है अपनी नींद में इस तरीके से सोच रहे हैं, पर सेकेंड और जो फाइनल स्टैंजा है उसमें हमें पता चलता है कि वो जो है मर चुकी है। अब वो बिल्कुल एक ऐसी उसमें चली गई है, ना तो वो सुन सकती हैं, ना वो जो है कुछ देख सकती हैं, ना उनमें कोई मोशन रह गया है, ना उनमें कोई फोर्स रह गया है, और वो जो है अर्थ का एक हिस्सा बन गई है, यानी कि जैसा अर्थ में रोजमर्रा में होता है अर्थ के अंदर, अब वो भी जो है उसी का एक हिस्सा बन गई है। जैसा भी होगा अर्थ के अंदर, चाहे रॉक्स के साथ हो, स्टोन्स के साथ हो, वो जो है अब उन्हीं का एक पार्ट बन चुकी है। ये थी हमारी समरी, आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।